हेलो लियो, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज लियो हम करने वाले हैं आपके लिए अगस्त 2021 की लव एंड रिलेशनशिप्स की टैरो रीडिंग। ये पैटर्न हम वैसे ही रखेंगे जैसे हम हर महीने रखते हैं। पहले हम रिलेशनशिप की एनर्जी के बारे में पता करेंगे, देन आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं, एंड मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस डालूंगी व्हाट आई हैव फ्रॉम टैरो एंड व्हाट आई फील आल्सो, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलते रहें। वो बेल का आइकन ज़रूर दबाना एंड लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिवाइन से, एंजल से और हमारे गाइड से कि लियो के लिए अगस्त 2021 बेस्ट पॉसिबल मैसेजेस वो हमको दें लियो के लिए। तो प्लीज़ गिव अस बेस्ट पॉसिबल मैसेजेस फॉर लियो 2021। लियो के लिए बेस्ट पॉसिबल मैसेजेस प्लीज डिवाइन एंजल्स लियो 2021 अगस्त लव एंड रोमांस मैसेजेस। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है हमारे पास और ये है डेस्टिनी का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकंड कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ट्स, ट्रैवल का कार्ड। ओके, कुछ डेस्टिनी है यहाँ पे ट्रैवल। ओके, टू ऑफ कप्स, ये लव एंड रिलेशनशिप्स में आ जाए तो क्या बात है, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ हैं। और अब ये कैसे पता करें? फिलहाल के लिए अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करो कि वो आपके सोलमेट हैं या नहीं। ज़्यादातर आपको वो गाइड करेगी इफ़ यू आर विद योर सोलमेट और नॉट, नहीं तो आप मुझसे तो पूछ ही सकते हैं। डिटेल्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ रीडिंग विद मी। ओके, लेट्स सी वॉट आर योर फीलिंग्स लियो इन द रिलेशनशिप करेंटली। एंड वी हैव टावर, कुछ बहुत डिफरेंट सोच रहे हो, डिफरेंट देन यूजुअल, जो आप जनरली नहीं सोचते हो। सेकेंड कार्ड है विक्ट्री का कार्ड, क्लैरिटी मिल रही है इस नए पर्सपेक्टिव को लेने की वजह से, एक लाइफ में क्लैरिटी आ रही है आपके। एंड थर्ड कार्ड इज टू ऑफ वॉन्ट्स। ओके, कुछ दो चीज़ें थी जिनमें आप कंफ्यूज्ड थे, डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। हाँ, ये एक चीज़ आपके सोलमेट की रिलेशनशिप हमेशा डिफ़िकल्ट रहेगी लियो, हमेशा, मतलब सिर्फ लियो के लिए नहीं, ये सभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लेट मी सी मोर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? जब तक पार्टनर की फीलिंग्स पता नहीं चलेंगी तब तक तो रीडिंग में क्या मज़ा आएगा। वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड, दे वॉन्ट टू सॉल्व द सिचुएशन। सेकेंड कार्ड फ्लिप्ड और बाहर आया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, दे वॉन्ट टू वर्क एंड ब्रिंग बैक द पैशन इन योर रिलेशनशिप। वाओ, पार्टनर आपके एफर्ट डालना चाहते हैं, थोड़ी सी एफर्ट आप भी डालो। एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल बिगिनिंग चाहते हैं, इमोशनल बिगिनिंग की हाँ कोई बात नहीं हो रही है, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, लियो है ही जब। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ कप्स, आपके साथ एक सुंदर कमिटमेंट वाली प्यार भरी लाइफ वो चाहते हैं। जब टेन ऑफ कप्स आया मतलब कमिटमेंट की बात हो रही है, और टेन ऑफ कप्स के नीचे क्या था, कमिटमेंट की बात कर रही थी मैं। वी हैड द हायरोफॉन्ट, ये आपके शादी वाले पंडित जी हैं हायरोफॉन्ट। अब ये डेक तो बना है बाहर देश में, तो वहाँ पे तो पंडित जी हमारे शादी वाले होते नहीं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हायरोफॉन्ट आप समझ लीजिए, तो ऑलमोस्ट ये वही है। तो आपके पार्टनर काम करना चाहते हैं टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, दे नो कि आप ही हैं उनके सोलमेट, दे आर वर्किंग हार्ड। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे प्यार की मीठी मीठी बातें करके या चीज़ें नछावर करके, नहीं, दे आर रियली वर्किंग हार्ड। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल, एक स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को ग्राउंड से ऊपर उठने के लिए। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े तो उसके लिए जो भी सॉलिड फाउंडेशन चाहिए बनाने के लिए, दे आर डूइंग इट, ताकि आप लोगों की एक पैशनेट बिगिनिंग हो सके, एक
प्रैक्टिकल बिगिनिंग हो सके। जब एस ऑफ पेंटिकल्स आ गए ना, तो मुझे ये भी यहाँ पे पता चलता है कि सिर्फ वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, किस्मत भी साथ देगी ताकि ये प्रैक्टिकल बिगिनिंग आपकी उनके साथ हो सके। और जहाँ मैं आपकी तरफ देखती हूँ, तो आप एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो। चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप ये डिसाइड कर रहे थे कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में जाऊंगा तो कौन हर्ट होगा, शायद इस बात का डर था, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात का डर था, या फिर जिस पार्टनर के साथ आप रहना चाह रहे हैं कि या सच में आर दे वर्थ इट, यू वर नॉट श्योर अबाउट इट। तो उन सब चीज़ों की, ये कुछ भी डाउट हो सकते हैं ना, डाउट कुछ भी हो सकते हैं, एंडलेस जनरल रीडिंग है। मैं यहाँ पे डाउट स्पेसिफिकली तो आपको नहीं बता पाऊँगी, अगर मैं फोकस पर्सनल रीडिंग करी होती तो आई वुड हैव नैरोड इट डाउन कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि कोई चॉइस थी रिलेशनशिप में आपको चूज़ करने की, लियोज आपको चूज़ करना था कि आप इनके साथ रहें ना रहें, आप चूज़ कर लोगे, क्लियर हो जाओगे कि ये ही हैं वो, क्लैरिटी मिल रही है और आगे बढ़ रहे हो। वेरी ब्यूटिफुल नो, काफ़ी अच्छा है अगस्त का महीना आपके लिए। अगर अपने पार्टनर पे आपको थोड़ा सा भी डाउट था कि आर दे सीरियस इनफ, तो लियो इस स्प्रेड से मैं आपको बता सकती हूँ, दे आर वेरी सीरियस, दे वांट टू बी विद यू, दे वांट टू टेक दिस कमिटमेंट वेरी सीरियसली, दे वांट टू यू नो सी किड्स विद यू, शादी चाहते हैं आपके साथ। लेट मी सी ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं लियो के लिए फॉर अगस्त 2021। लियो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू लियो के लिए अगस्त 2021। प्लीज ओरेकल गिव अस वन कार्ड, प्लीज गिव अस वन कार्ड, एंड वी हैव दिस व्हिच इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जो भी चैलेंजेस हैं लियो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे तो मेरे पास है सेपरेशन का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर भी हो सकता है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे या नहीं। हो सकता है हमारे लियो जो हैं इनको इस बात का डर था ये पार्टनर भी इनके साथ रहेंगे या नहीं। हो सकता है पास्ट में आपने ऐसा कुछ धोखा देखा हो, या फिर पास्ट में आपके साथ ये पार्टनर रह ना पाए हों, ये यहाँ पे एक इशू हो सकता है। इस बार ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये आपके सोलमेट्स हैं। हमारे पास टू ऑफ कप्स का कार्ड है, प्लस हमारा ओरेकल भी ये आपको कहता है कि यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, आगे जाइए, एक्सप्लोर करिए। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कैसे पता चलेगा, हर एक चीज़ में रिस्क है, हर एक चीज़ में रिस्क है, रिस्क लोगे तो पता चलेगा। जब तक खुद को एक कमरे में बंद करके रखोगे, कुछ भी चीज़ नहीं करोगे, तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी आगे बढ़ने की। जो चीज़ें हैं वो भी आगे नहीं बनेगी, जहाँ हो वहीं रह जाओगे। आगे बढ़ने के लिए उस लाइन को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये हैं मेरी तरफ से मैसेजेस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई लाइक योर कॉमेंट्स और मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। लाइक बटन तो बिल्कुल दबाना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो मिलते हैं, बाय।